के चल, हम अपने माननीय विधायक बसंत सोरेन जी से, युवा विधायक से आग्रह करेंगे, दो शब्द अब रखना चाहेंगे सर। गांधो की इस चुबानी सभा में उपस्थित विभिन्न पंचायत से आए मेरी माताएं बहने गो बाबा बोया मिसर को इनको नाडी अडी गुण मान जोहार। काफी प्रोग्राम, काफी व्यस्त प्रोग्राम के बीच हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के मुखिया इस राज्य के बड़े भाई हेमंत सोरेन जी हम लोगों के बीच है। इनका समय ना लेते हुए मेरा आग्रह होगा कि ये इस चुनावी दंगल में हम लोगों की आगे की रणनीति और आगे के चुनाव के बारे में हमें निर्देश दें। इनकी बातों को हम गांव गांव टोला टोला तक पहुंचाने का काम करें और इस चुनाव को चुनौती के रूप में जो हम लोगों ने लिया है उसका, उस संदेश को हर जगह पहुंचाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां आए तमाम लोगों को जोहार है, प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे विधायक जी को। हम सही में अपने सीएम को आने के लिए ढेरों सारे मुबारक करेंगे। शेर हेमंत जिंदाबाद, शेर हेमंत जिंदाबाद। सलाम खान पहेल नवा दुमका विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार रे नवा गांधो ऐतिहासिक टंडी रे बोन जरवाओ कान आबरन गो बाबा बोया मिश्रा माजी अड़ाम गुड़ित नायके को यहां आए हुए हमारे ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहने, नौजवान साथी, सनाम खान पहेल आलिंगसन खान झारखंडी जोहार जोहार जोहार। अड़ी कम समय लगी है का नहा आय आर नवा चुनावी प्रचार करना आयमा जायगा रे सेटेरो रिया प्रोग्राम में ना तिया 10-12 मिनट इंग ताहना आपे तलारे मिट्टांग बारिया कथा धो लगी है स्वार सेटेरे का ना कि नवा चुनाव रे अब चे बोन चिकाया चेल का बहुत गोबन बहुत बढ़ाया। अरे आगे वाला थोड़ा बैठ जा भाई, इधर पीछे लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। आगे वाला बच्चा लोग बैठ जाओ। तो आप सबको मालूम है हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी, वाम दल सभी लोगों ने मिलकर इस राज्य में ये फिरका परस्त ताकतों को झारखंड से बाहर निकालने का एक संकल्प लिया है और पूरे राज्य में हम लोगों ने सर्वसम्मति के साथ पूरे विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आज आपके बीच दुमका विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बसंत सोरेन जी खड़े हैं और आपको पता है कि ये चुनाव में हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी है इस चुनाव में, चुनाव को अपने पक्ष में करने का। ये 5 साल पहली बार राजअलग होने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने सत्ता से बाहर रखा और आज
बीजेपी की हालत बिन पानी के मछली के जैसा हुआ पड़ा है। अभी छटपटा रहा है वापस सत्ता में आने के लिए। एक साल से यहां कई मंत्री यहां पर चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही सरकार गिराने में लगे ये लोग। एन केन प्रकारेन धन बल के दम पर चुनाव को अंजाम देना चाहते हैं। आज जब राजनीतिक लड़ाई ये नहीं सक पाते हैं तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जितने भी संवैधानिक संस्था है सभी को चुनाव में सक्रिय कर रखा है। आज पूरे राज्य में ये लोग पूरी ताकत के साथ विपक्ष के लोगों को कमजोर करने का डराने का धमकाने का भी लगे हुए काम। लेकिन उनको पता नहीं है कि इस राज्य में अभी सरकार चलाने का नेतृत्व झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथ में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे फिरकापरस्त ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का भी ताकत रखता है। आज ये सिर्फ और सिर्फ समाज में जहर डालने का काम हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए का नारा लगा करके चुनावी मैदान में उतरे हैं। ना विकास, ना रोजगार, ना किसान, ना आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी के प्रति उनकी कोई न संवेदनशीलता है ना इनके लिए कोई कार्य योजना है। हम लोग विगत 5 साल से सरकार चला रहे हैं और 5 साल में आपने देखा कितने चुनौतियों को हम लोगों ने देखा, झेला। ऐसा चुनौती 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार रहा हो कभी इतनी चुनौती नहीं रही जितना चुनौती हम लोगों ने देखा। एक तो कोरोना जैसा महामारी 2-2.5 साल वही हम लोग का खा गया और ऊपर से 2-2.5 साल में विपक्षों का यह षड्यंत्र। आए दिन सरकार गिराओ, आप गिराओ, कल गिराओ, विधायक को चुराओ, सांसद को चुराओ, यही काम होता है। हर बार इनको मुंह की खानी पड़ी, मेरे विरुद्ध झूठा आरोप लगा लगा कर मुझे आपके लिए काम करने से रोका गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी। आज 2-2.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया है कि ये 20 सालों का भी एक भी काम ये नहीं गिना सकते। आज इन लोगों का षड्यंत्र इतना गंदा था, इतना क्रूर इनका सोच कि आज हमको जेल में भी डाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राख के साइया मार सके ना कोई। आज फिर से हेमंत सोरेन उनके सामने पहाड़ की तरह खड़ा है और आज पूछिए ये भारतीय जनता पार्टी का लोग जाओ गांव देहात घूमेगा तो पूछो उससे कि 20 सालों में एक काम बता दो, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूरों के दुखों तकलीफों को तुमने कम किया हो? एक काम नहीं बता सकता। लेकिन हम आपको एक न एक हजार काम गिना सकते हैं जो हमने विगत 4 साल में काम किए हैं, 5 साल में काम किए हैं। वैसे भी 5 साल भी पूरा नहीं हुआ, ये राज्य में पहली बार समय से पहले चुनाव हो रहा है। इससे पहले समय से पहले कभी चुनाव नहीं हुआ क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है तो इनको पता है कि हर एक दिन हम इस राज के लिए एक ऐसी लकीर खींचेंगे जो आने वाला समय में भारतीय जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। इसीलिए समय से पहले चुनाव का घंटी बजा दिया। ये बात सही है कि चुनाव आयोग को ताकत है समय से पहले चुनाव कराने का, तो इसका मतलब समय से पहले चुनाव कराने का ताकत है तो ताकत का उपयोग ऐसा होगा
कि जब हम सत्ता में आए तभी आपको ताकत दिखता है, जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार होती है तब इनको ताकत नहीं दिखता, क्योंकि इस राज्य के गरीब गुरवा, यहाँ के किसान मजदूर, बूढ़ा बुजुर्ग, सरकारी कर्मचारी, महिला नौजवान के लिए हम काम कर रहे थे। कोरोना जैसा महामारी आया, इतना लंबा लड़ाई, समझ में नहीं आता था कि हम राज्य को कैसे बचाएं, फिर भी हम लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया, हार नहीं मानी। आज उस लड़ाई में हमारे साथ सबसे मजबूती के साथ खड़ा था इस राज्य की महिलाएं, इस राज्य की महिला दीदियों ने। और याद कीजिए, कोरोना में लॉकडाउन था, हाट बाजार गाड़ी मोटर स्कूल कॉलेज सब बंद, कुछ नहीं चलता था, घर में बंद होकर के रहना पड़ता था। यहाँ गरीबी अधिक है, मजदूर किस्म का लोग अधिक है, और आपको पता है कि गरीब मजदूर अगर एक दिन नहीं मेहनत करता है तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूखा सोना पड़ता है। वो गरीब मजदूर घर में रहता है तो भूख से मर जाएगा, बाहर निकलता है तो कोरोना खा जाता है। ये हालत था उस समय, यही महिला दीदियों ने पंचायत पंचायत टोला टोला मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने ये संकल्प लिया कि इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और महिला सशक्तिकरण का कदम बढ़ाएंगे। और आज उनके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री मैया योजना सम्मान लाया। आज इस राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हजार हजार रुपया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सनो कना खाता रे पैसा। और आयमा नुमका के योजना को मिला, और आपे नोंडे आरो आबो सरकार बिनाव लगी एमएलए जिताओ को पे, और इन नोंडे अस्वस्थ कती सनो कना कि हिजू समय मोड़े बछर रे जा नीत मिमी हजार चला कना उन्हें 1 लाख टका धबिंग आप खाता रिंग भेजाया। और उसका पहला कदम अभी जो 1000 रुपया आपके खाता में जा रहा है, अभी दिसंबर में वो 1000 रुपया बढ़ करके 2500 रुपया होने जा रहा है। तो कई ऐसी चीजें, आज भी कई गांव में बूढ़ा बुजुर्ग, कई ऐसे गरीब परिवार अपना आवश्यकता के लिए कर्जा लेता, छोटे छोटे जरूरतों के लिए, बच्चा का फीस भरने के लिए कर्जा लेता है, कभी कभी इलाज के लिए कर्जा लेने लगता है, कभी कभी बिजली का बिल जमा करने के लिए कर्जा लेता है। आज गरीब के कंधे पर इतना बोझ कि बेचारा अपना पैर पर खड़ा कैसे हो पाएगा। आज हमने आप सभी गरीबों का बोझ हमने अपने कंधों पर लिया, और इस राज्य का सभी गरीब गुरुआ का जितना बिजली का बकाया था सबको हमने माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल? तो इसलिए आपका बिजली का बिल बकाया हुआ 2 लाख 2.5 लाख 50,000 1 लाख रुपया तक का बिल माफ हो गया, बोझ हल्का हुआ कि नहीं जी? बताओ, पूछो भारतीय जनता पार्टी का लोग से कि 20 साल में कौन गरीब गुरुआ का तुम बोझ हल्का किया। हम लोग का गांव देहात में 2019 से पहले 1-2-4 लोग को वृद्धा पेंशन मिलता था, 1-2 महिलाएं जिसको विधवा पेंशन मिलता था,
आज हमने नियम बना दिया, इस राज्य में हर गरीब गुरुआ को, हर विधवा महिलाओं को हम पेंशन देंगे, और जो भी 50 साल की महिला होगी उसको भी पेंशन देंगे। आज पूरे राज्य में हर जगह जाके देखिएगा, बिना पेंशन का कोई बूढ़ा बुजुर्ग नहीं है। इसलिए साथी, बहुत ऐसे काम है जो आज हम लोगों ने इस राज्य के लिए, यहाँ के ग्रामीण गरीब गुरुआ किसानों का, उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए विशेष रूप से काम किया। इनके सरकार में किसान आत्महत्या करता था, और हमारी सरकार ने इस राज्य के किसानों का 2 लाख रुपया तक का ऋण माफी करने का भी काम किया है। और तो और, ये लोग बुढ़ापे का लाठी भी छीन लेता है, और आज इस राज्य के कर्मचारियों का पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में उनके राज्यों में कोई भी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलता है। ये देश का पहला राज है जहां हम अपने सभी कर्मचारियों को पुराना पेंशन का स्कीम देते हैं। यहाँ के वकीलों को भी हम पेंशन दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं, उनको सम्मान राशि दे रहे हैं। साथियों, मेरा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है, और भी कार्यक्रमों में जाना है। नो आगे मैन कहते आप भी दिशा दो या नोने चुनाव हर हाल अब नोने आज सर छापा पे जीता हुआ तो भी क्या वो सरकार आरो बिना दड़िया या मैन कहते कथा मुझे दा अड़ी अड़ी सराव आरो मिदा गुन मनाओ जोहार। हेलो, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सेरे हेमंत 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 जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, सेरे हेमंत जिंदाबाद, सेरे हेमंत जिंदाबाद, बसंत सोरेन जिंदाबाद, आसार दो अकोया, आसार दो अकोया, सेरे हेमंत जिंदाबाद, जिंदाबाद, सेरे हेमंत जिंदाबाद, सेरे हेमंत जिंदाबाद, 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 सेरे हेमंत जिंदाबाद, 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद, 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 वीर सिंह जिंदाबाद, 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 वीर सिंह जिंदाबाद, 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 सेरे हेमंत 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद,